चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक मास्टर प्लान में पारा गए, एक वहाँ पारा गए। उन्होंने पारा बंदे मीमी बंदे, हमारी तरफ कोई पारा नहीं है। हाँ वो चाहे मुझको दो झाड़ू वो चाहे बे झाड़ू वो होंगे दोनों में तो कोई सा जो बात है कुश्ती वाला पर की है। सब धर्मों का सम्मान करते हैं, कुछ मामला नहीं, यहाँ के बाबू फर्क वाला मामला है, जाति बिरादर कुछ नहीं है मामला, जाति बिरादर कोई मामला नहीं है। मुझे तो गलत बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात सरकार करती है, सब लोग बढ़िया है, यहाँ कस्बे जिम्मेदार लोग हैं। इसे में आपका स्वागत है। हम आज जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाने में है और कस्बा बुढ़ाने में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर, और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कस्बा बुढ़ाना में जनता की क्या राय है चुनाव को लेकर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 4 मई को वोट डाले जाएंगे नगर निकाय चुनाव के, जिसको लेकर बहुत सारे उम्मीदवार अभी कस्बा बुढ़ाना में मैदान में है। थोड़ा सा मैं उम्मीदवार के बारे में आपको बता दूं, यहाँ गठबंधन से उमा त्यागी जी है जो अभी एक उम्मीदवार है गठबंधन से, और भाजपा से बाला त्यागी जी है, वाइफ ऑफ जितेंद्र, जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, और भी कई निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में है अभी चुनाव को लेकर। तो हम बुढ़ाने की जनता से हम आसपास बातचीत करेंगे कि इस बार क्या लोगों की क्या राय बन रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार नगर निकाय चुनाव में वोट करेंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आपको जनता के बीच ले चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम असद है। असद भाई जी, चुनाव है आपके यहाँ जी, पुराना कस्बे में चुनाव है, कौन सा चेहरा आप चेयरमैन है पदी के लिए? जितेंद्र चेयरमैन। जितेंद्र चेयरमैन, तो पूर्व चेयरमैन जो थे जी। तो जितेंद्र चेयरमैन जो है वो अभी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा से। भाजपा से, तो आपको लगता है काम कुछ होंगे इस तरह के या हुए हैं? हाँ जी, हो रहे हैं, हमारे जो पहले हो रहे थे इसी तरह हो रहे हैं, ना हमारे पहले संविधान था कुछ, ना संविधान है कुछ, जैसा पहले था ऐसा होगा, बस सही बार वोट पे जाएंगे, वही जीते वो कोई ना उधर सही नहीं, कोई भी आ जाए वही जीतते जब भी। अच्छा काम किया कस्बे में? हाँ जी सही काम। तो आपकी तरफ से क्या सुविधा होनी चाहिए इस बार अगर जनता के काम को देखें? भाई जनता का काम करने में तो अपने काम को बता सकूँ। अच्छा अच्छा, ऐसी सुविधाएं है कस्बे में जो एक आम जनता के लिए होती है, खेल का मैदान, पार्क की सुविधा? वो तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अच्छी क्यारी है, उसमें जाए खेलने या DAV स्कूल में जा खेलने, यहाँ खेलने के लिए कोई फर्क नहीं है। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई की भी है, यहाँ एक पार्क बन रहा है वही 12 मार्ग की तरफ, उसमें जाके हमारी तरफ के उसमें कोई जा नहीं सकता, वहाँ सारे वाल्मीकि साइड के तो जा सके, हमारी तरफ का कोई नहीं जा सकता, हमारी तरफ ना कोई पार्क है। ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं जाते वहाँ? जी हमारे वहाँ के जाते हैं नहीं, पहले वहाँ चप्पल निकाल के जाओ या तो मैं तो कुत्तों की कदम बढ़ जाए, हमें जाने ही नहीं देते, पहले बात तो वहाँ ना कोई जाता। एक मास्टर कॉलोनी में पार्क है, एक वहाँ पार्क है, उन्होंने पार्क बन रहे मीमी बन रहे, हमारी तरफ कोई पार्क नहीं है, जगह के यूनि जगह है और यहाँ बड़ी खल्ली जगह पार्क बन सके, पर कोई पार्क नहीं है यहाँ। क्या नाम बाबू जी आपका? अशोक। चुनाव है आपके यहाँ, निकाय चुनाव है? हाँ है। क्या माहौल बन रहा है कस्बे में? तो टक्कर है। किस में टक्कर है? दोनों चेयरमैन में, सुबोध में। अच्छा बस, तो और कोई और भी होता है? सब लग रहे हैं। अच्छा, सब लग रहे हैं, सबका जी करे आत्मा तो मौका लड़ रहे नहीं तो घर बट। तो सुविधाएं कैसी है कस्बे में? सुविधा कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा काम हम बढ़िया हो रहे, बिजली पानी सब बढ़िया है, और बताओ क्या चाहिए। तो आप अपनी तरफ से इस बार कौन सा ऐसा काम चाहोगे जो कस्बे में हो, जो भी चेयरमैन का चेहरा हो? वो तो मर्जी बात, वो चेयरमैन की बात कुछ करवा सके, अरे काम तो यहाँ बढ़िया हो रहे, शिकायत तो कोई है नहीं काम के बारे में, लेकिन दोनों तरफ से ही त्यागी त्यागी प्रत्याशी इस बार, दोनों लड़ रहे, वोट बटेगा नहीं इस बार, इस तरह से वोट नहीं बटेगा जनता का? तो वो शिकायत लगा, वो शिकायत लगा, तो तीसरा कोई आ जाएगा फिर तो? तीसरा नहीं आने का। तो और जो उम्मीदवार है उनका आपको लगता नहीं कुछ बन पाएगा? नहीं जी, नहीं जी, आम आदमी से भी लड़ रहे हैं, बस बस आम हो जब आम हो अमरूद आम दोनों कहते हैं, आम हो जब अमरूद हो झाड़ू हो चाहे बेझाड़ू हो होंगे दोनों में तो कोई सा जो बात है कुश्ती वाला पर की है। तो आप कौन सा चेहरा देख रहे हैं, पलटा किसका भारी रहे? चेयरमैन का। चेयरमैन कौन से? जितेंद्र चेयरमैन। जितेंद्र चेयरमैन। मेरा नाम शाहरुख खान है जी। शाहरुख भाई जी, चुनाव है आपके कस्बे में जी, क्या माहौल बन रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बन रहा है जी माहौल। कैसा चुनाव रहता है? बढ़िया चुनाव रहेगा जी। तो इस बार बहुत सारे उम्मीदवार है कस्बे में जी, किस कौन सा चेहरा आप ऐसा देख रहे हैं जो चेयरमैनी पर काबिज होगा? कस्बा चेयरमैन जितेंद्र सिंह त्यागी, बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यही बनेंगे। काम किए कस्बे में? कस्बे में यही काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया विकास है।
किस तरह के काम रहे इनके? काम बहुत बढ़िया रहे, काम करेंगे भी बढ़िया, जीतेंगे भी यही, कोई और चेयरमैन बनने का नहीं कस्बे में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कस्बे में बहुत सारी सुविधाएं होती है, पानी की सुविधा है, सड़कों की, साफ सफाई की, ये किस तरह की सुविधा है अभी तक पिछले 5 सालों में? ये हमारे कस्बे चेयरमैन साहब ने करवा रखी, सही बढ़िया, सब सड़क बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, लाइट बढ़िया, सब काम बढ़िया कर रखे। आपका क्या नाम? मोहम्मद हसीन है मेरा नाम। हसीन भाई, क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या बन रहा है कस्बे में? माहौल को चेयरमैन साहब का जितेंद्र त्यागी और कोई नहीं है फाइट। गठबंधन से भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं गठबंधन से सुबह त्यागी आ रहे हैं, तो इस बार कुछ बनेगा? गठबंधन का कुछ मामला नहीं है यहाँ पर, ओनली चेयरमैन साहब जितेंद्र त्यागी। लेकिन कस्बा एक जैसे बुढ़ाना मुस्लिम बहुल इलाका है, सपा का भी एक काफ़ी एक जोर रहा है यहाँ पर, तो गठबंधन में सपा, लोक दल और ये आसपा भी आई हुई है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ के? चेयरमैन साहब सब धर्मों का सम्मान करते हैं, कुछ मामला नहीं, यहाँ के पास कोई फर्क वाला मामला है, जाति बिरादरी कुछ नहीं है मामला, जाति बिरादरी कोई मामला नहीं है, सब एक सामान है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले 5 सालों में काम हुए ऐसे? बहुत काम, अगर बिजली पानी साफ सफाई सड़क सब कुछ दुरुस्त बहती है हमारा। साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, नाली सड़कें, कई कस्बों में हमने देखा है कि उस तरह से साफ सफाई नहीं हो पाती। बुढ़ाने की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी यहाँ पे साफ सफाई, हर चीज़ पानी व्यवस्था अच्छी है, सड़कों की साफ सफाई हर चीज़ बेहतरीन मामला है, बढ़िया है यहाँ पे। और जैसे जो वेस्टेज कूड़ा होता है उसके लिए प्लांट वगैरह की कोई सुविधा है यहाँ? प्लांट की सुविधा है, जो कूड़ा जो इकट्ठा होता है जी इकट्ठा करें इधर यहाँ पे, इधर मंदवाड़ा रोड पर सुविधा पूरी, प्लांट की सुविधा पूरी, सारे कूड़ा इकट्ठा हो यहीं पे जाते हैं मंदवाड़ा रोड पे। अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल आपसे, आप अपनी तरफ से ऐसी कौन सी सुविधा चाहोगे कस्बे में, चेयरमैन कोई भी हो, कौन सा ऐसा काम होना चाहिए? सारी सुविधा दे रखी हमने, जा रहे उसे बिजली हो जा रही, साफ सफाई हर चीज की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जा रही, अल्लाह का शुक्र है हो जा रही। चेयरमैन सानू बतावा वो बढ़िया है जी। सानू भाई, कौन सी सुविधा चाहोगे चेयरमैन से इस बार? इस बार इंशाल्लाह बढ़िया सुविधा कर रहे हैं, कस्बे को चमका रखा है, तरक्की बढ़िया, ना ठेली वालों को कोई परेशान करता, ना कोई दिक्कत है, हमें चेयरमैन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चाहे कि यही चेयरमैन रहे। और पहले कोई परेशान करता था, जैसे ठेलियां लगती है ये सब, पहले कैसा माहौल था जी? नहीं, अब तो सही है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम? मोहम्मद साहब। क्या चेयरमैन ही चुनाव है, क्या देख रहे हैं इस बार आगे को? चुनाव में ये चेयरमैन साहब ये जाते, कौन से चेयरमैन? जितेंद्र त्यागी। जितेंद्र जी को लग रहा है इस बार भी बाजी मारेंगे? भारी वोटों से भी हो। कस्बे में काम किए कुछ? सब काम उन्होंने किया, चमका रखा। चलिए भाई, एक सवाल हो रहा आपसे, जैसे नगर पालिका के काम होते हैं बहुत सारे जी, यहाँ पर स्वास्थ्य कैसी, अस्पताल वगैरह कैसे हैं, या जो सफाई के काम होते हैं वो काम कैसे हैं? बहुत अच्छे सफाई, अस्पताल में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एकदम चेयरमैन साहब तुरंत फ़ोन करते हैं, सब काम होते हैं, वही मिलते हैं, हाजिर एकदम ड्यूटी मिलते हैं, चेयरमैन साहब कभी किसी बात से पीछे नहीं हटते। जितेंद्र त्यागी जी हमारे बहुत इतने अच्छे हैं, कस्बे के जिम्मेदार हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, ऐसे चेयरमैन तो कभी बन नहीं पाएंगे, ऐसा चेयरमैन तो कोई मिलना ही नहीं हमें, जैसे चेयरमैन साहब हमारे कस्बे के हैं, बहुत अच्छा काम है, किसी गरीब पहले भी वही चेयरमैन थे फिर यही चेयरमैन बनेंगे। कितने सालों से कितनी योजना कर चुके? मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ चेयरमैन साहब, मेरे आगे तो बचपन से देखता रहा, आपके मुझे हो सही, मैं आपके मंच पे बोल लूँगा, सारे काम करें साहब, तन मन साथ है बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल, जैसे जितेंद्र जी भाजपा से लड़ रहे हैं जी जी, और भाजपा अक्सर हमने देखा है कि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं अलग बयानबाजी उनकी होती रहती है, तो कस्बे में उन चीज़ों का फर्क नहीं रहेगा? कोई फर्क नहीं बिल्कुल भी, मुझे तो गलत बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात सरकार करती है, सब लोग बढ़िया है यहाँ कस्बे, जिम्मेदार लोग हैं, ना हिंदू मुस्लिम कोई बात ऐसी है, जैसे भाजपा से उनके बड़े नेता भी बहुत सारे बयान देकर जाते हैं, ना कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सब बहुत प्यार सलूक होते हैं, हमारे चेयरमैन साहब ऐसी बात किसी को नहीं देते, सबसे आगे हट जाए पहले। बाकी कई सारे उम्मीदवार हैं यहाँ, उनका क्या रहेगा? उनको तो बस ऊपर वाला जो रखेगा जो होगा, तो खम्भे का बेड़ी कर रहे, ये तो बेड़ी कर रहे तो कोई यह काम बस यहाँ चेयरमैन साहब का और साइकिल वाले का, सब दो में टक्कर है, बस यही की टक्कर है और तो बेड़ी कर रहे सब यहाँ। चलिए ठीक है, हम कस्बा बुढ़ाना में थे, बुढ़ाना में हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि कस्बा बुढ़ाना में इस बार चुनाव को लेकर क्या लोगों के मत रहेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भाजपा से जितेंद्र त्यागी जी की पत्नी बाला त्यागी जी चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन से उमा त्यागी जी जो सुबोध त्यागी जी की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ टक्कर रहेगी।
जुड़े रहे सीसीए से उत्तर प्रदेश तक, आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं, धन्यवाद।